और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गरियाबंद से, जहां पर लगातार जो है बीमारी का प्रकोप जारी है और लगभग हम देखें तो एक एकड़ा यहां पर पार हो चुका है और लोग लगातार यहां पर बीमार हो रहे हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी यहां पर पहुंची हैं। तो आपको बता दें गरियाबंद के किडनी प्रभावित इलाके सुपेबेड़ा राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किडनी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, उनका हाल जाना है। इसी दौरान राज्यपाल ने लोगों से बात करते हुए कहा है, मैं आप लोगों की समस्या जानने पहुंची हूं और आप लोगों से आग्रह करती हूं कि सभी लोग अपनी समस्याएं बताएं। राज्यपाल के साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी किडनी पीड़ित लोगों से बात की है। और इसी पर अधिक जानकारी भी हमारे साथ हमारे संवाददाता पुरुषोत्तम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुरुषोत्तम, जिस तरह से लगातार हम देखें बीमारी का प्रकोप यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, लगभग हम देखें तो एक सैकड़ा यहाँ पर संख्या पार हो चुकी है लोगों की बीमारी की, हम देखें लगातार बीमारी से जान भी जा रही है लोगों की, तो क्या कहा जाए? क्योंकि सरकार भी अब सक्रिय हो गई है, राज्यपाल भी वहां पर हाल जानने पहुंची है, क्या लगता है इससे कुछ हालात बदलेंगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए 11:30 बजे नियत समय था, राज्यपाल अनुसुईया उइके यहाँ पे पहुंची है, उनके साथ जो है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी आए हैं और 11:30 बजे जो निर्धारित समय था उस निर्धारित समय में पहुंच के सीधा मंच में वो मौजूद हुई हैं। और जो स्वास्थ्य औपचारिक कुछ चीजें जो है, पहले उन्होंने अवसर दिया मंत्री टीएस सिंहदेव को बोलने का, उसके बाद तत्काल वो माइक थाम ली और माइक थामने के बाद वो सीधे जो पीड़ित से अभी भी 1-to-1 कर रही हैं और जैसे जैसे समस्या उनके सामने आ रहा है तत्काल मंत्री से और अफसरों से वहीं मंच पर ही बात कर रही है। अभी हमको देखने को मिला तो जिस तरह से ग्रामीणों ने पुल की बात रखी, अस्पताल की बात रखी, तेल नदी से पानी की बात रखी और तमाम प्रकार की जो बातें बताई गई तो उसमें मंत्री को भी वहां मंत्री मौजूद थे, मंत्री से सीधा वो गुफ्तगू की और सीधा जो है उइके जो मैडम है वो सीधा ये कहीं घोषणा किया कि जो भी जो मांगे उनके द्वारा पब्लिक के द्वारा बताई जा रही है वो सारी मांगे अभी पूरी हो गई हैं। और राज्यपाल ने सीधा ये कहा है कि चूंकि ये तकनीकी प्रॉब्लम के कारण जो है 2 से 4 महीने लग जाएंगे, लेकिन सीधी तौर पे उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो विलंब पहले होता था अब वो विलंब नहीं होगा, सीधा उनके नॉलेज में रहेगी। ग्रामीणों को कहा कि अगर उनसे कोई प्रॉब्लम होगी फिर सकते हैं ये देखने को मिला। जो प्रदीप क्षेत्रपाल है एक शिक्षा कर्मी थे, उनकी मौत हो गई थी, उनकी बेवा ने भी उनके सामने गुहार रखा कि उनको अब तक की नौकरी नहीं मिली और 3 बच्चों का उनका भरण पोषण में दिक्कत आ रही। इस पर राज्यपाल ने तत्काल वहां पे मंत्री से बात किया और वहीं मंच से ही उनको डेली बेसिस पे नौकरी की घोषणा भी कर दिया है और लगातार अभी जो है पीड़ितों से बात कर रही है और जिस तरह से उनका जितना समाधान हो सकता है उस समाधान की बातें भी वो मंच से कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम इस जानकारी को साझा करने के लिए। और